हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज से मैं एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, BES 121, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यूनिट वन देख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बीएड फर्स्ट ईयर में है और इग्नू से बीएड कर रहे हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो TSSP की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो साइकोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहीं से भी आ जाते हैं। तो ये भी एक आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन भी कवर करेगा। सो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यही है कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, या फिर बचपन क्या होता है। ठीक है, तो अगर बचपन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि चाइल्डहुड क्या होता है, तो इसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है, चाइल्डहुड मीन्स द स्टेट ऑफ बींग अ चाइल्ड। बच्चे होने की अवस्था को, बालक होने की अवस्था को हम बचपन कह देते हैं। ठीक है, ये तो हमने कहा किसकी बात की, चाइल्डहुड की बात की, बचपन की बात करी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज चाइल्ड, हाउ कैन यू डिफाइन अ चाइल्ड, बालक क्या होता है, बालक किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। यू कैन नॉट डिफाइन अ चाइल्ड। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई बच्चा क्या होता है, बालक क्या होता है, तो आप क्या करोगे, बालक वो होता है जो भगवान का गिफ्ट होता है, बालक वो होता है जो हमेशा सच बोलता है, जिसके अंदर झूठ कपट नहीं होता, जिसके अंदर कोई छल नहीं होता, या बच्चे वो होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके स्वभाव के अच्छे होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई, ये अभी जो मैंने इतना सारा कहा, तो ये चीज़ तो भाई हो गई एडजेक्टिव्स। ये तो मैंने विशेषण बता दिया, ये तो मैंने क्वालिटीज बता दी, यहाँ पर तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं कि चाइल्ड क्या होता है ना। तो चाइल्ड को डिफाइन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कल्चर में हम देखेंगे, हम पाएंगे कि बच्चे को डिफाइन करने का, बच्चे की जो आयु है, उस आयु के अनुसार अगर बच्चों का वर्गीकरण देखा जाए ना, तो हर एक समाज में, हर एक कल्चर में अपने अपने ओन परसेप्शंस है। तो इस वजह से हम चाइल्ड को डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली। अब यहाँ पर ना कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं। यहाँ फर्स्ट पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड। और यहाँ पर आपको ना ब्लैक जो हाईलाइटेड चीज़ दिख रही है, वो दिख रही है स्मॉल अडल्ट्स इन द मेकिंग। ठीक है, यहाँ आपको दिख रही है स्मॉल अडल्ट्स इन द मेकिंग, कि बच्चे को ना हम स्मॉल अडल्ट्स इन द मेकिंग की तरह ट्रीट करते हैं। कौन ट्रीट करता है, पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, या अडल्ट्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, उनको हम जब बोलते हैं, जब हम छोटे बच्चों को जब बात करते हैं, तो हम उन्होंने आपने अक्सर सुना होगा कि उनके पेरेंट्स या फिर एल्डर्स कहते हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया, बहुत समझदार हो गया। तो यहाँ पर बड़ा हो गया का मतलब ये नहीं है कि उनकी हाइट जितनी थी उसमें 1-2 फीट और इनक्रीज हो गई, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर बात है कि बच्चा जो है वो अपने रोल को, यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चा जो है वो समझदार हो गया, मतलब कि वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि वो परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है, और आगे चल करके वो काफ़ी और मैच्योर होगा। तो हम स्टार्टिंग से ये करने लग जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, हमारा बच्चा समझदार हो गया है, क्योंकि हमें भी पता है कि आगे चल करके हमें एक एडल्ट, एक ऐसा बालक चाहिए, या एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो समाज में अपने रोल को समझे, है ना। तो यही चीज़ है कि चिल्ड्रन आर सोशलाइज्ड टू लर्न एंड परपेचुएट अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड कस्टम्स। बच्चों को समाज के अंदर क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या मान्यताएं है, क्या रीति रिवाज है उनके कल्चर में, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, उनको सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में ढाला जाता है। तो यही चीज़ है। फिर इसमें और भी चीज़ें दी गई है कि बच्चे जो है वो अपने कल्चरल पैटर्न को इंटरनलाइज करें, और सोसाइटी में अच्छे से मतलब अपना जो कल्चर है उसको सीखे, उसका उपयोग करे, फिर आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन करे। तो ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, इनमें ना ज़्यादा मैं वक्त नहीं गवाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, आप लोग चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन। इसमें बेसिकली कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस टाइम्स एंड सोसाइटीज़।
तो मतलब कि बच्चों का जो अगर बात करें बच्चों के एक्सपीरियंसेस की, बच्चे की अनुभवों की बात करें, तो वो बदलते रहते हैं। 20 साल पहले अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, तो आप लोग जानोगे कि कितना बदलाव आ गया है। आप लोग खुद भी देखोगे, आज के अगर आप बच्चों को देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि हम तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे थे। आज के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हो गए हैं, आज के बच्चे तो इतने टेक्नो सेवी हो गए हैं कि भाई पैदा होते ही फ़ोन उठा लिया और उसमें सारी सेटिंग्स कर ली, उनको इस सब कुछ आ गया है। आपको खुद लगता है कि इतना तो मुझे भी नहीं आता जितना इस बच्चे ने चला दिया, या फिर वो बातें ऐसे ऐसे करते हैं कि आप भी दंग रह जाते हो, या फिर आप उनको बहकाने की कोशिश करते हो, वो बहकते नहीं है, और हम सोचते हैं कि यार हम तो बड़े भोले भाले होते थे, हम तो जब भी बातों में आ जाते थे हम तो तभी बात मान लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े समझदार होने लगे हैं, बड़े होशियार होने लगे हैं, है ना। तो इस टाइप की जो फीलिंग की बात हो रही है, तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, विभिन्नता देखने को मिलेगी बच्चों के अनुभवों में अक्रॉस टाइम्स एंड सोसाइटीज़। अलग अलग सोसाइटी में अगर भारत की बात करूँ या अगर दूसरे देश की बात करूँ, तो वहाँ बच्चों के अनुभव अलग होंगे, भारत में बच्चों के अनुभव आपको अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ दिया हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड और उसके बाद कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड, तो इसमें डिफरेंट यही चीज़ें बात की गई है सोशलाइजेशन वगैरह की। तो मेन हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेटा यहाँ से, डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर बालक को हम डिफाइन करना चाहें, और तो उसके लिए ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वे पर्सपेक्टिव कौन से है उनकी बात हो रही है, कि किस तरीके से अगर हम चाहें कि बच्चों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है अगर बीएड फर्स्ट ईयर के हो, तो क्वेश्चन आ सकता है कि देर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, एक्सप्लेन, और क्वेश्चन आ गया 20 नंबर का, तो क्या लिखोगे। तो वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हम बच्चे को ना डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आ जाती है कि बच्चे के, देखिए बच्चे अलग अलग विभिन्नताओं से आते हैं, मतलब बच्चे के अनुभव अलग अलग है, ठीक है, जिस समाज में रहते हैं वो अलग अलग है, तो उसी वजह से उनके जो जो अनुभव होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अलग होते हैं। तो अगर क्लासरूम में 40 बच्चे आ रहे हैं, तो 40 के 40 बच्चे सेम परिवेश से थोड़ी ना आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कुछ बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है, कुछ बच्चों को कम नॉलेज होती है, कुछ बच्चे माइग्रेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे दूसरे स्टेट से आकर आपके स्टेट में रहने लगे, फिर स्कूल ज्वाइन किया, है ना। तो ये चीज़ें होती है। अब बच्चे अगर देखिए डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे ना, तो उनको हमें स्पेशली एक टीचर को, हमें कि मतलब है एक टीचर को, तो टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही होंगे, टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, उनकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, आपको बताया था कि अगर चाइल्डहुड को डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो आप इन सब वर्डों में से किसी चीज़ का यूज़ करोगे कि दे आर फनी, दे आर चाइल्डिश, दे आर फ्रेजाइल, बहुत वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फियरफुल होते हैं, प्लेफुल होते हैं, स्वीट होते हैं, क्यूट होते हैं, है ना। आप बोलते हो ना क्यूट बेबी है, स्वीट बेबी है, तो यही सब, प्योर होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, तो ये सब तो एडजेक्टिव्स है, ये सब तो एडजेक्टिव्स है। डेफिनेशन कैसे करें, क्या क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यों एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है चाइल्ड की, तो उन्हीं सब के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि भाई स्क्रीन पर देख सकते हो, सिंस एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डिफरेंट, अभी मैंने कहा कि बच्चों के जो अनुभव है वो अलग अलग होते हैं, इट वुड बी इनकरेक्ट टू थिंक ऑफ चिल्ड्रन एज वन कैटेगरी। तो हम एक कैटेगरी में बच्चों को नहीं डाल सकते, एक डेफिनेशन बच्चों को कैसे दे सकते हैं, जब हर बच्चे का अलग एक्सपीरियंस है, हर बच्चे का अलग परिवेश है ना। इट माइट साउंड अ लिटिल अनयूजुअल टू सम ऑफ अस, बट देर आर डिफरेंट एंड इवन कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड है, ये कहाँ से आया है, बच्चे का इंग्लिश वर्ड चाइल्ड, इट हैज़ ट्यूटोनिक रूट एंड फ्रॉम द गोथिक वर्ड फॉर वोम्ब, ठीक, फॉर वोम्ब। द इंग्लिश वर्ड बेबी, अगर ये बेबी वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो इसके जो फर्स्ट साउंड, बच्चा जो पहले अपनी साउंड बनाता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो कैसे बोलता है, बा 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 बा, बी 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 बी, इस तरीके से बोलता है ना।
फिर बोलना शुरू करता है द द द द प प प प इस टाइप से। तो जो फर्स्ट साउंड होती है शिशु की, इन्फेंट की, तो वो इस तरीके की आती है बी बी बा बा। तो इसी से ही बना हुआ है बेबी वर्ड। बहुत से लोग होंगे जिनको ये चीज़ आज मतलब जानी होगी, या अगर आपने ये बुक पहले पढ़ी है तो उसमें ही जानी होगी कि बेबी वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। बेबी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्फेंट की जो फर्स्ट साउंड होती है वो इस टाइप की होती है बेबी या फिर बाबा, तो इसी से बना है बेबी। ठीक है, तो इन इंग्लिश अ बेबी इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इन्फेंट। इंग्लिश में अगर बात करें तो बेबी को हम शिशु या इन्फेंट भी कहते हैं, और इसकी जो रूट है इन्फेंट वर्ड की जो रूट है उसका मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। तो यहाँ देखिए, इनका मतलब हुआ नोट और फैंस का मतलब हुआ स्पीकिंग। ठीक है, जो बोल नहीं सकता हु कैन नॉट स्पीक इज इन्फेंट। तो ये चीज़। अगर जैपनीज की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी को कहते हैं अक्का चैन। क्या कहते हैं? अक्का चैन। तो अक्का का मतलब होता है बेटा रेड, चैन का मतलब होता है टाइटल गिवन टू चिल्ड्रन। अगर जो जब छोटे बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं, देखिए ये लिखा भी हुआ, दिस इज सिंपली बिकॉज द स्किन ऑफ द बेबी अपीयर्स रेडिश इन कलर। जब छोटे बच्चे होते तो वो कितने रेड होते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं। तो इसी वजह से जापान में न्यू बॉर्न बेबी को अक्का चैन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो जस्ट चिल्ड्रन की बात करी। अब आ जाते हैं बात मुद्दे पे कि बच्चे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज क्राइटेरिया के बेसिस पर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर, एज अ लेबो एंड सोशल पॉलिसी, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है बेटा एज क्राइटेरिया। ठीक है, कि हम आयु के हिसाब से कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चे का। ठीक, तो अगर बात करें तो बच्चे को जैसे डिफाइन करने की अगर एज की बात करें तो अ ह्यूमन बींग इज कंसिडर्ड टू बी अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो कुछ सोसाइटीज़ में क्या माना जाता है कि बालक तब तक, जब जैसे पैदा होता है तब से लेकर के जब तक कि उसमें प्यूबर्टी नहीं आती, मतलब कि 11-12 साल तक जब प्यूबर्टी आनी शुरू होती है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तक वो बच्चे हम उसको मानते हैं। तो बर्थ टू 11-12 भी कह सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो प्यूबर्टी है वो थोड़ा सा अर्ली आपको देखने को मिलती है, या फिर यहाँ अगर 13 लिखा हुआ तो इसको टीनेज से भी मान सकते हो। ठीक है, टीनेज जो आपकी 13-19 होती है, लेकिन यहाँ ऑनसेट की बात की है तो इसलिए यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। ठीक है, इन द एवरेज चाइल्ड में ये 13 तक देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि भाई बच्चा जो है वो बर्थ से लेकर के ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी तक माना जाएगा। चाइल्डहुड एट दिस स्पैन रेंजेस फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब क्या कहा गया है कि इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर एक डिबेट भी चलती है कि भाई आप एज से कैसे इसको हम मान सकते हैं, एज से कैसे, एज क्राइटेरिया के बेसिस पर हम चाइल्डहुड को कैसे रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि बच्चा तो एग्जिस्टेंस में जब आ जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वो वाला पीरियड क्यों नहीं काउंट करते, वो चीज़ भी काउंट करनी चाहिए कि चाइल्डहुड जो है, बचपन जो शुरू होता है वो तो बच्चे के जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी डिबेट होती है, मतलब कि फीटल स्टेज में या जब गर्भ में होता है तब हो जाता है शुरू। और कुछ आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो बच्चा जो है वो तब तक हम उसको बालक मानेंगे जब तक कि उसके लीगल एज नहीं हो जाती, मतलब 18 वर्ष की आयु जब तक बच्चा अटेन नहीं कर लेता, जब तक कोई इंसान 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो एडल्ट नहीं होता, और अगर एडल्ट नहीं होता तो इसका मतलब वो बच्चा होता है। तो ये कुछ है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि एडल्ट होने के बाद या 18 वर्ष के बाद एक बच्चे को लीगल राइट्स मिल जाते हैं, बच्चों को वोट डालने के अधिकार मिल जाते हैं, बच्चों की शादी करने के अधिकार मिल जाते हैं, तो हम उससे पहले की एज को बालक के अंदर क्यों नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया में भी एक तरीके से आप देखो तो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं निकल के आ रही है। तो यही मैंने कहा कि हर एक सोसाइटी में अपना अपना होता है, और इसी वजह से हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे सकते चाइल्ड की। ठीक है, तो यहाँ लास्ट लाइन देख सकते हो, इन इंडिया दिस वुड मीन दैट टिल 18 ईयर्स ऑफ एज वन इज़ अ चाइल्ड। अगर हम लीगल राइट्स की बात करें तो वो 18 वर्ष से पहले नहीं मिलते हैं। तो भारत में अगर बात करें तो 18 वर्ष की आयु तक
उससे पहले तक हम उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चाइल्ड की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीगल व्यू। लीगल व्यू की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट कन्वेंशंस की बात की गई है, डिफरेंट कमीशंस की बात की गई है जो डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पर आप चाइल्ड के बारे में जान सकते हो। सबसे पहले दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें कहा गया है कि चाइल्ड वो ह्यूमन बींग है जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। ठीक है, ये 18 ईयर्स के बिलो वाला वही चीज़ आप मान सकते हो जो अभी भी बताया कि लीगल राइट जो है वो 18 ईयर्स के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, NCPCR जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी कंसिडर करते हैं कि पर्सन को, अ पर्सन हु इज इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर, तो 0 से 18 वर्ष तक है, तो उनके हमें चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इनको तो हम इस इट मीन्स कि वो चाइल्ड कहते हैं 0 to 18 वाले को। वाइल द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर हम बात करें तो वो बिलो 14 ईयर्स को चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं, कि अगर 14 ईयर्स से ज़्यादा का बच्चा है, मतलब 14 ईयर्स से ज़्यादा का बच्चा है और अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसको जेल में डाला जाएगा, अगर वो 14 ईयर्स से कम का है तो उसको फिर जुवेनाइल में उसका काउंसलिंग वगैरह की जाएगी, उसको वो दंड अपराध नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अभी बच्चा है ना। तो वो चीज़ है कि जुवेनाइल एक्ट क्या कहता है, बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात आ जाती है तो फिर भाई वो बिटवीन 6 से 14 वर्ष की बात करते हैं। इसी तरीके से Article 21A की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विद इन एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। इट मीन्स कि वो 14 ईयर्स तक ही बच्चे को कंसिडर करते हैं चिल्ड्रन, और उससे अबव वालों को एडल्ट करते हैं कंसिडर, है ना। Article 45 में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है कि जब तक बच्चे 6 वर्ष तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनकी केयर की जाएगी, तब तक उनकी एजुकेशन देखी जाएगी। तो अगर Article 45 के अंतर्गत देखा जाए तो इट मीन्स कि भाई 6 साल तक के बच्चे जितने हैं वही चाइल्ड है, उससे ऊपर के वो एडल्ट हो गए, तो ये चीज़ भी नहीं, हम नहीं मान सकते ना, ये चीज़ हो गई। फिर अगर और चीज़ें देखें, चाइल्ड लेबर प्रोविज़न देखें तो 14 ईयर्स, 1986 रेगुलेशन एक्ट में देखें तो बच्चा अगर 14 ईयर्स का, 14 वर्ष से जो कम का है वो अगर कुछ फैक्ट्रीज़ में या शॉप में काम करता हुआ मिला तो वो गैर कानूनी होता है, उनको जहाँ पे वो वर्क कर रहा है उनको सज़ा हो सकती है, तो ये भी 14 ईयर्स तक कंसिडर कर रहे हैं। इंडियन माइंस एक्ट की अगर बात करें तो वो 18 ईयर्स तक कंसिडर कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई है कि लीगल अडल्टहुड की भी जो हमारी आयु है वो अलग-अलग है। भारत में 18 ईयर्स कहा गया है, ठीक है, ईरान में 15 ईयर्स कहा गया है लीगल एडल्टहुड की, किशोरावस्था वाले की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स्कॉटलैंड में 16 ईयर्स, जापान में 20 ईयर्स, इजिप्ट में 21 ईयर्स। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो मैंने कहा कि ना ही एज क्राइटेरिया चल पाया है ना ही लीगल व्यू चल पाया है, क्योंकि लीगल व्यू में भी डिफरेंट कमीशंस हो गए, डिफरेंट कन्वेंशंस हो गए, डिफरेंट आपके आर्टिकल्स हो गए, वो एक पर्टिकुलर एज को कंसिडर नहीं करते हैं चाइल्ड के प्रोटेक्शन या चाइल्ड के राइट्स को लेकर के। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड एज अ लेबर। ठीक है, चाइल्ड एज ए लेबर, बच्चा कितने वर्ष तक हो जो काम कर सके, ये सब तो इसमें देख लेते हैं कि हम बच्चे को डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट डेट चाइल्ड लेबर इज इलीगल, हमें ये पता है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है, लेकिन फिर भी गैर कानूनी ढंग से बहुत से बच्चे हमें फैक्ट्रीज में, कारपेट वीविंग में, ठीक है, कारपेट बनाने के, कारपेट बुनने के काम में, बीड़ी बनाने के काम में, चूड़िया बनाने के काम में, और ये जो पटाखे होते हैं क्रैकर फैक्ट्रीज में या छोटी दुकानों में, या फिर घर के जो कामकाज के लिए बच्चों को रख लेते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, या फिर आया के रूप में, ठीक है, इनको बच्चों को काम दे देते हैं 14 ईयर्स के कम को, तो ये चीज़ें फिर भी चलती है देश में, अभी भी मौजूद है। वो अलग बात है कि जिनको जिनका पता चल जाता है उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है, अदरवाइज जिनका पता नहीं चलता तो वो ऐसे ही चलता रहता है।
है ना। तो इसी वजह से ये चीज़ कह रही हूँ कि 14 ईयर्स तक हमें पता है कि भाई बिलो 14 ईयर्स जो है वो नहीं कर सकते ये चीज़, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें बच्चों को बैगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो चाइल्डहुड इन पोवर्टी एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इन पोवराइज्ड कंटेक्स्ट आर वेरी डिफरेंट देन इन बेटर ऑफ सिचुएशंस। अगर बच्चा की अगर पोवर्टी की बात करें तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जो बहुत ही मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं उनके अनुभव अलग होते हैं, ठीक है। जो गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं तो उनमें हमने देखा गया है कि वो छोटी उम्र में ही 4-5 साल के ही वो बड़ों की अपनी फैमिली के निर्वाह के लिए काम करने लग जाते हैं, वो बड़ों का रोल प्ले करने लग जाते हैं। अगर माता पिता अगर बाहर कमाने सब्जी ले मंडी में बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो बच्चा भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। और ये बात रियलिटी है। अगर ट्यूसडे मार्केट या जो वीकली मार्केट्स होती है, अगर आप उसमें जा करके देखोगे तो आपको छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिलेंगे। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स नहीं बैठे होते, वो बच्चा भी बैठा होता है, सिर्फ बच्चा बैठा होता है। मैंने खुद देखा हुआ ये चीज़। तो यही चीज़ कह रही हूँ कि फैमिली के सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। चाइल्ड एंड सोशल पॉलिसी की बात करें, चाइल्ड एंड सोशल पॉलिसी एक और अगर उसकी बात करें, तो आप देखोगे कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में हमने देखा भाई राइट टू एजुकेशन वगैरह का, कि जो आपका 2009 का एक्ट है कि अप टू 8 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स तक, पहले से 8वीं कक्षा तक जो स्कूलिंग होगी वो सारा खर्चा जो होगा वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा, वो गवर्नमेंट उठाएगी। और बच्चों के लिए सोशल वेलफेयर पॉलिसीज भी बनाई गई है, बच्चों को वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया है। क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप इसलिए कहा गया है, बच्चों को इसलिए कंसिडर किया गया है कि बच्चे जो है बहुत भोले होते हैं, इस वजह से उनके साथ फिजिकल पनिशमेंट भी की जाती है। बड़े जो है वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, या टीचर्स कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, ठीक है, और बच्चों का काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि बच्चा तो हमें कुछ कर नहीं सकता, बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तो हमें देखने को मिलता है फिजिकल पनिशमेंट भी देखने को मिल जाती है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया जाता है बच्चों को, जो आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप सब इतने अवेयर हो। इमोशनल अब्यूज़ भी देखने को मिलती है। मीडिया में अगर बात करें तो चिल्ड्रन आर डिपिक्टेड एज सेल प्रमोटर्स इन एडवर्टाइजमेंट्स, बिल्कुल देखने को मिलते हैं, ठीक है। बच्चों को ऐड में लिया जाता है, सेल प्रमोटर्स की तरह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें है कि भाई बच्चे को हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में। क्योंकि हर एक, अगर हम चाहे एज क्राइटेरिया देख रहे हैं, चाहे फिर हम आपका लीगल व्यू देख रहे हैं, चाहे वो हम चाइल्ड लेबर की फॉर्म में देख रहे हैं, तो हर एक का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, हर एक का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि देर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड एंड एक्सप्लेन इट, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एडोलेसेंस। अब जानेंगे हम किशोर अवस्था की जो कंसेप्ट है उसके बारे में। तो एडोलेसेंस की या किशोर अवस्था की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत से सामाजिक और इवोल्यूशनरी चेंजेस देखे गए हैं एडोलेसेंस में भी, ठीक है। जैसे हमने चाइल्डहुड में बात करी कि इतने सारे 20वीं शताब्दी तक कुछ आइडेंटिटी नहीं थी चाइल्डहुड की, तो इसमें भी ऐसे ही हमें देखने को मिली है। एडोलेसेंस का जो कंसेप्ट है बेटा, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, या फिर इसको आप कह सकते हो कि अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में, ठीक है। किशोर अवस्था का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है 19वीं शताब्दी के अंत में, या फिर आप अर्ली पार्ट ऑफ 20वीं शताब्दी के शुरू में, ठीक। इससे पहले एडोलेसेंस को, किशोर अवस्था को
और बालकपन को या बचपन को कुछ अलग कंसिडर नहीं किया जाता था, ठीक है, इतना कुछ इन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। और ये सब एक देन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद बहुत से बदलाव आए और हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, औद्योगिकरण जो हुआ या फिर नगरीकरण जो हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, इमिग्रेशन हुआ, तो उससे काफ़ी चेंजेस आए और उससे एक इम्पैक्ट पड़ा एडोलेसेंस पर। और हमने जानने की कोशिश की कि हम एडोलेसेंस किसको कंसिडर करें, एडल्ट हम किसको कहें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो है बच्चे को हम मिनिएचर एडल्ट्स की तरह देखते थे, हम मिनिएचर एडल्ट्स की तरह देखते थे। हम ये सोचते थे कि ये जो बच्चे, मतलब एडोलेसेंट्स है, बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, चाइल्ड स्मॉल एडल्ट्स इन मेकिंग है, और एडोलेसेंट्स को तो हम इतने तवज्जो देते ही नहीं थे। हम यही सोचते थे कि वो अपने सोसाइटी का रोल जाने, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जाने और अपना अर्निंग शुरू कर दे और अपने फिर आगे चल करके शादी वगैरह कर ले। तो ये चीज़ें कंसिडर होती थी उनको। हम एक्सपेक्ट कर लेते थे कि ये फैमिली के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में काम कराए, ठीक है, खेतों में काम कराए, या अगर घर का कोई और किसी और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो कारपेंट्री है, चाहे वो पॉटरी मेकिंग है, तो उन सब में एंगेज कर ले बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे को और किशोरावस्था को ज़्यादातर हम इकोनॉमिक लाइबिलिटी की तरह देखते थे कि उनका जो उत्तरदायित्व है ना वो फाइनेंशियली ज़्यादा है, कि वो हेल्प करे कि परिवार का जो निर्वाह है, परिवार की जो जीविका है, वो अच्छे से चल सके, उसमें सहयोग करना शुरू कर दे। तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हुआ, ठीक है, उसी को ले गए और सब्जी मंडी में ले गए, या फिर अगर कोई और काम करते हैं छोटा मोटा कोई भी, ठीक है, बीड़ी मेकिंग का हो गया, वट एवर द वर्क इज, बहुत से काम होते हैं उनमें बच्चों को भी साथ में लगा लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि फिर धीरे धीरे टाइम जैसे आता गया, उनको गाय भैंसों में लगा लिया या इस तरीके के काम करवाए गए। और फिर उसके बाद जब औद्योगिकरण हुआ तो ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की नीड हुई, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि किन बच्चों से काम कराया जाए या स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए। जब स्किल्ड वर्कर्स मांगे गए, जब ये हुई कि उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर कौशल का विकास होना चाहिए, अगर उनको इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना है, तो औद्योगिकरण के बाद की बात कर रही हूँ, तब जाना गया कि स्किल तो है नहीं, तो स्किल कहाँ से आए, स्किल कैसे आएगी, स्किल आएगी शिक्षा से, शिक्षा कैसे आएगी, शिक्षा कहाँ से मिलेगी, शिक्षा मिलेगी स्कूल में, तो स्कूल भेजा गया, कंपल्सरी स्कूलिंग, ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में गए। तो ये चीज़ है कि बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बीच तक की अगर बात करें, तो एडोलेसेंट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम एडल्ट्स, फिर उनको हमने एडल्ट से सेपरेट करके रखा गया। और ये जो बच्चे थे ये ज़्यादातर समय अपने पीयर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ गुजारते नजर आए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था, 1945 के बाद की अगर बात करें तो ज़्यादातर एडोलेसेंट्स हैं उनका जो नामांकन हुआ था वो स्कूल्स में बढ़ गया था, स्कूल अटेंड करने लगे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अडल्ट की तरह उनको नहीं देखा जाता था, बल्कि देखा जाता था कि वो स्कूल्स जाए और उनके ज्ञान का और कौशल का विकास हो। नेक्स्ट, अब जानने की ज़रूरत है कि ये जो एडोलेसेंस वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो बेटा ये लैटिन वर्ड है एडोलेसर। एडोलेसर का मतलब होता है टू ग्रो अप और टू ग्रो टू मेच्योरिटी, परिपक्वता की ओर जाना, उसको उसकी ओर बढ़ना, तो इसको कहेंगे एडोलेसर का मतलब। ये एडोलेसेंस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। साइकोलॉजी की अगर बात करें, मनोविज्ञान की अगर बात करें, तो एडोलेसेंस को ट्रीट किया जाता है कि इट इज़ अ स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये जो स्टेज है ये बचपन और जो आपकी एडल्टहुड, जो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बीच की स्टेज है किशोरावस्था। और एक तरीके से सही भी है, साइकोलॉजी में आप लोग यही पढ़ते हो, है ना।
तो इन दिस स्टेज वन हैज़ टू अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर्स टू द अडल्ट स्टैंडर्ड्स दैट आर रिकग्नाइज्ड इन वंस कल्चर. तो बेसिकली इस स्टेज में क्या करना होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो कहते हैं ना कच्ची सोच, या बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उस थिंकिंग से निकलना पड़ता है. जो बच्चे, जैसे बच्चे ज़्यादातर हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या अपने टीचर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, या जो डिसीजन मेकिंग पावर है, कोई भी निर्णय अगर लेना होता है तब भी बड़ों की राय लेंगे, या फिर हमारे जो फ्रेंड सोच रहे होंगे उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. तो वो चीज़ हटा करके अब अगर बच्चे के देखोगे तो यही देखोगे कि दे आर डिपेंडेंट, उनकी जो थिंकिंग होगी वो भी खुद की नहीं होती, वो भी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होती है ना, इन्फ्लुएंस्ड होती है. और अगर एडल्ट की अगर देखोगे तो प्रौढ़ अवस्था में या 18 साल के बाद या 20-21 साल के बाद आपने देखा होगा कि जो थिंकिंग होती है वो आपकी खुद की होने लग जाती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, उसमें आपके खुद के व्यूज़ होते हैं. वो फिर ये नहीं है कि दूसरा अगर आदमी कह रहा है कि मैं कुएं में गिरूंगा तो मुझे भी कुएं में गिरना है, वो चीज़ नहीं होगी. वहाँ पर हमारी अपनी सोच आ जाएगी कि नहीं, मुझे कुएं में नहीं गिरना, या हमें भेड़ चाल नहीं चलनी. अगर दूसरा पर्सन कह रहा है कुछ तो वही चीज़ नहीं माननी, हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है. तो यही चीज़ है कि एडोलेसेंस में ना देखा जाता है कि बेसिकली कि चाइल्डहुड जो है वो अपने आप को एडजस्ट करना सीख ले, अपने आप को एडप्ट करना सीख ले कि वो एक अच्छा एडल्ट बन सके. ठीक है, एडल्ट के स्टैंडर्ड पर को जाने, जो भी उसके पर्टिकुलर कल्चर है उसमें एक एडल्ट से क्या अपेक्षाएँ रखी जाती है उनको जाने, और उसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करे. ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कही गई है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एडोलेसेंस की अगर बात करें तो सम में कंसिडर प्यूबर्टी एज द एविडेंस ऑफ रीचिंग एडोलेसेंस स्टेज. एडोलेसेंस स्टेज, अब जैसे चाइल्डहुड में बात की ना कि कब माना जाए कि एक बच्चा चाइल्ड है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही है कि गर्भ में धारण होता है तभी बच्चा का चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट हो जाता है. कुछ कहते हैं कि जब नहीं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, एनवायरमेंट में आता है तब वो कंसिडर होता है. तो ऐसे ही एडोलेसेंस में भी बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हो स्क्रीन पर, प्यूबर्टी एज द एविडेंस ऑफ रीचिंग एडोलेसेंस स्टेज. ठीक है, तो प्यूबर्टी को माना गया है कि एडोलेसेंस स्टेज में पहुँच गए हैं. प्यूबर्टी को डिनोट किया जाता है कि एक टाइम है जब हमें फिजिकल और सेक्सुअल मेच्योरिटी, जब एक बालक गेन कर लेता है, ठीक है, और उस प्यूबर्टी से जो 2 साल पहले का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्यूबेसेंस. क्या कहते हैं? प्यूबेसेंस. और ये जो पीरियड होता है इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आने लग जाते हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी. ठीक है, बॉयज़ की जैसे आवाज़ भारी हो जाती है, मूंछ दाढ़ी आ जाती है, गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे ब्रेस्ट डेवलपिंग है या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, व्हाटएवर. ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें, इसको हम कहते हैं प्यूबेसेंस. बेसिकली एडोलेसेंस को हम प्यूबर्टी से जनरली लिंक करते हैं कि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ, बालकपन से किशोरावस्था की तरफ. हम प्यूबर्टी से ही इसको रेफर करते हैं, और डिफरेंट कल्चर में इसका अलग अलग इन्फ्लुएंस सोसाइटी में देखने को मिलता है. स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस की अगर बात करें तो बेसिकली 3 स्टेजेस है. अर्ली एडोलेसेंस है 10 से 13 वर्ष तक. इसमें स्पर्ट ऑफ ग्रोथ, देर इज अ स्पर्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने आपको बताया कि बॉयज एंड गर्ल्स गोज फ्रॉम डिफरेंट चेंजेस इन देयर बॉडी फिजिकली. ठीक है, तो वो चीज़ ही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर. मिड एडोलेसेंस में 14 to 15 एज जो आपका आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो इसमें क्या है बेसिकली कि ये अलग अलग न्यू रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, ठीक, और पीयर ग्रुप के साथ, और अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी की खोज होती है इसमें पेरेंट्स के अलावा. वो कुछ अलग सोचे या सिर्फ डिपेंडेंट ना रहे, अपना भी परसेप्शन लेने की कोशिश करे. तो मिड एडोलेसेंस ये हो गया. नाउ बात करें अगर लेट एडोलेसेंस की, तो इस वाले जो ये जो स्टेज हो गई बेटा, इसमें एट दिस स्टेज एडोलेसेंस बिहेव सिमिलर टू एडल्ट्स. इसमें ना जैसे एडल्ट्स होते हैं, जैसे प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति होता है उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है लेटर एडोलेसेंस में, 16 से 18 वर्ष की आयु में. और ये आयु जो अगर कह दी गई है ना, तो बेटा ये फिक्स नहीं है,
यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है कि ईयरली इतना है, मिड इतना है, लीटर इतना है, तो ये मत सोचिएगा कि ये फिक्स है। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग फैमिली में, अलग अलग परसेप्शन या अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसी के बेसिस पर ये चीज़ होती है कि कुछ बच्चों में मेच्योरिटी इतनी जल्दी आ जाती है क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि वो अपना बचपन नहीं जीते बल्कि वो पैदा होते ही एक बड़े का किरदार निभाने लग जाते हैं, अपने भाई बहन छोटे भाई बहनों को संभालने लग जाते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ हेल्प करने लग जाते हैं। अगर मम्मी कोई डोमेस्टिक कोर्स करती है, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह का काम करती है दूसरों के घर में, तो मम्मी के साथ हाथ बंटवाना शुरू कर देते हैं। लड़के हैं तो अपने पापा के साथ हाथ हाथ बंटवाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मेच्योरिटी। और अगर कुछ ऐसे फैमिलीज देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर आपको 19-20 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, 20-21 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, उनकी खुद की थिंकिंग ही नहीं है, वो अब भी बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं, अब भी उनको पेरेंट्स को उनको समझाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि दे आर नॉट फिक्स। अगर यहाँ लिख दिया है तो इट डजेंट मीन कि ये बिल्कुल फिक्स हो गई है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा हमें अलग चीज़ देखने को मिलती है आयु का, जो मतलब जो उतार चढ़ाव है या कम ज़्यादा हो सकती है, दे आर नॉट फिक्स, ठीक है। तो यहाँ आपने जाना कि जो एडोलेसेंस के बारे में बेसिकली कि फिजिकल चेंजेस को ही मेच्योरिटी में कंसिडर करना बिल्कुल गलत है। मेच्योरिटी की अगर बात करें, परिपक्वता की अगर बात करें, तो ये वो चीज़ है जहाँ पर एक इंसान सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट को ही अटेन ना करे, फिजिकल चेंजेस को ही अटेन ना करे, बल्कि इमोशनल रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर बौद्धिक विकास हो जाए उनका पर्टिकुलर, तब हम उसको परिपक्व मानेंगे, तब हम उसको परिपक्व मानेंगे। तो चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जो है ये कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना और एन और एन एज रेंज, ठीक है। सिर्फ एज से ही इसको मत समझिए, ये समाज में या कल्चर, अलग अलग कल्चर जहाँ होता है उसके बेसिस पर ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट देर इज सेवरल रीजंस आर रेस्ड अगेंस्ट एज ग्रेडेड डेफिनेशन। जो एज ग्रेडेड डेफिनेशन अभी देखी आपने कि इतनी आयु तक कितने तक, तो इसके ऊपर बहुत सारे विवाद भी चलते हैं कि अगर बात करें प्यूबेसेंस का या प्यूबर्टी का, तो पहली चीज़ तो इसी में हो जाती है, किसी में प्यूबर्टी जल्दी आती है, किसी में देर से आती है, ठीक है। तो यही वेरिएशन हो गया, तो इसमें भी हो गया कि भाई हम एज से डिफाइन नहीं कर सकते, एज इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट फैक्टर टू डिफाइन द एडोलेसेंस और चाइल्डहुड, है ना। सेकेंड, एज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ साइकोलॉजिकल वेरिएबल। एज को हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल नहीं कह सकते, इट इज़ अ रफ इंडेक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस वन गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक। अगर हम बात करें कि भाई साइकोलॉजिकल वे में या मेंटली वो इतना प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक, तो उस एज को हम उस चीज़ से भी नहीं कह सकते। जैसे मैंने अभी अभी आपको उदाहरण दिया कि कुछ फैमिली में तो छोटे बच्चे ही बड़ों की तरह सोचने लग जाते हैं, बड़ों की तरह रोल करने लग जाते हैं, सोशल रोल को समझने लग जाते हैं, अपने परिवार की जीविका के लिए कमाने लग जाते हैं, और कुछ बड़े होकर के भी 20-21 वर्ष के होकर भी उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो ये चीज़ें, तो इसी को हम कहेंगे कि एडोलेसेंस जो है बेटा वो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ एन एज रेंज, ठीक। अलग अलग जहाँ भी हमें अनुभव देखने को मिलेंगे, अलग अलग समाज देखने को मिलेगा, उसी से प्रभावित होती जाएगी जो किशोरावस्था है या बालकपन है या बचपन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडोलेसेंस इन डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग सभ्यता संस्कृति में किशोरावस्था। तो यहाँ पर ना अगर इसको पढ़ोगे आप इन चीज़ों को, तो यहाँ दिए गए हैं भाई बहुत सारी रिचुअल्स या बहुत सारी रीति रिवाज ऐसे दी गई है कि जो फॉलो की जाती है जब कोई भी एडोलेसेंस, कोई भी अगर उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अगर एडल्ट होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, तो वो अलग अलग सेलिब्रेशन करते हैं, बड़ा बड़ा फेस्ट, बड़ा सा फेस्ट आयोजन करते हैं, या फिर प्यूबर्टी राइट सेरेमनी करते हैं जिसमें कुछ ऐसी
वो कुछ ऐसी रस्में होती है जहाँ पर हल्दी से बच्ची को नहलाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें पेड़ के साथ या कुछ उनका विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग सेरेमनीज़ है। यहाँ आप देख सकते हो, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु व्हेन अ गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी अ ग्रैंड फेस्ट इज कंडक्टेड, ठीक है। एक बड़ा सा समारोह का आयोजन किया जाता है जिनको लड़कियों को जिसको प्यूबर्टी जिसने अटेन की है उसको हल्दी से नहलाया जाता है, उसके बाद शादी का जोड़ा पहनाया जाता है और पूरे समुदाय को बताया जाता है कि हमारी बच्ची जो है वो अब मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। तो ये अलग अलग चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। नेयर कम्युनिटी में जो केरला में है, एक हिंदू कास्ट है ये नेयर कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पर जब गर्ल प्यूबर्टी को अटेन करती है तो एक रस्म है जिसको कहा जाता है थिरांदु कल्याणम। ये एक बहुत ग्रैंड स्केल पे मनाया जाता है, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, थिरांदु थिरांदु मंगल मंगलयाम एंड थिरु अंदुकुलु अंदुकुली, ठीक है। ये सब चीज़ें दी गई है ऐसे सेरेमनीज को, इसी तरीके से ओडिशा में परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली अलग अलग रिचुअल्स की बात की गई है, ठीक है, इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, डिफरेंसेस अमंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंस एंड एन एडल्ट, कि बालक के अंदर और एक किशोरावस्था के अंदर और एक प्रौढ़ के अंदर, इनमें क्या किशोर के अंदर, बालक के अंदर और प्रौढ़ के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ भी बात आ जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर इनको डिफाइन किया गया है, इनके बीच का अंतर बताया गया है। सबसे पहले है एज क्राइटेरिया। तो एज की अगर बात करें तो ये आपने देखा कि भाई एज एक फैक्टर है जिससे हम डिफरेंस करते हैं अमंग चाइल्ड एडोलेसेंस एंड अडल्ट, और ये जो चीज़ें हैं एज क्राइटेरिया का हमने बहुत सारा डिस्कस भी कर लिया है। लीगल डेफिनेशन की अगर बात करें, लीगल डेफिनेशन ऑफ एंटरिंग एडल्टहुड यूजुअली वेरीज बिटवीन एजेस 16 to 21 डिपेंडिंग ऑन द रीजन और कम्युनिटी और कंट्री इन क्वेश्चन। तो यही बात है कि एडल्टहुड की अगर बात करें एज की, तो 16 से 21 वर्ष के बीच की मानी जाती है, और ये जो 16 से 21 वर्ष है ये बेटा कहीं पर 18 वर्ष देखने को मिलेगी, कहीं पर 20 21 वर्ष देखने को मिलेगी, कहीं पर 17 वर्ष देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है कि एज के बेसिस पर इतना कुछ हम नहीं कर सकते। फिर यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, एज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस के फीचर्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ अंतर देख सकते हैं। पहली जो आप क्राइटेरिया या फीचर देख रहे होंगे वो है एज ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। एज ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन की अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है उसको एक्सप्लोर करने का, ठीक है। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में, बालकों में और किशोर में अगर देखोगे तो वो अपनी पहचान को ढूंढते हैं, उसका उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, अपने एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारी एक अलग पहचान बने, और हम स्कूल से जब बाहर निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी वॉन्ट टू डू आफ्टर स्कूलिंग, हम कौन सा करियर ऑप्ट करेंगे, हम कौन सी जॉब करेंगे, हमें क्या करना है, हमारी क्या पहचान होगी, हम क्या बनने वाले हैं सोसाइटी में। तो ये चीज़ है कि वो स्ट्रगल करते हैं। अगर एडल्ट्स की यही बात करें तो दे हैव अटेंड सेल्फ आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली एंड सोसाइटी। और एडल्ट जो होते हैं उनकी एक अपनी अलग पहचान बन जाती है, मतलब एडल्ट को हम कह सकते हो जिसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, जो अपने बारे में जानता है, जिसके एक समाज में एक पहचान है, वो किसी प्रोफेशन में है, ठीक है, तो उसको हम एडल्ट मानते हैं। तो ये एक फीचर दिया हुआ है जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है फैमिली में भी सोसाइटी में भी, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है एज ऑफ इंस्टेबिलिटी, दूसरा फीचर दिया गया है। यह बात कही है कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स, बालक और जो किशोर होते हैं वो थोड़े से इनस्टेबल देखने को मिलते हैं, वो एक इम्बेलेंस्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं रहते अपने समाज में, जो उनके रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको लेकर के इतने जागरूक नहीं होते, इतना फॉलो नहीं करते, उनको एडल्ट्स के द्वारा उनको काउंसलिंग लेनी पड़ती है,
पेरेंट्स की उनको मदद लेनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, तब वो समझते हैं, ठीक है। और अगर एडल्ट्स की बात करें तो उनके विचारों में, सामाजिक रोल में उनका पता होता है, तो वो एक टाइप की स्टेबिलिटी हमें शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे एज ऑफ सेल्फ फोकस, ठीक है। एज ऑफ सेल्फ फोकस या अपने ऊपर जो केंद्र करें, ठीक। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स की बात करें तो वो लैक ऑफ सेल्फ फोकस उनके अंदर, उनके डिसीजंस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अपने जो डिसीजंस है वो, उनके जो डिसीजंस है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स से या टीवी में कुछ देख लिया उससे, ठीक है, उनसे उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। अगर एडल्ट की बात करें तो उनकी जो खुद की थिंकिंग हो जाती है, दे सर्च फॉर एडल्ट गाइडेंस स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस स्टेजेस, क्योंकि इस स्टेज में बेसिकली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस तक बच्चा स्कूल में ही रहता है, 17-18 वर्ष तक बच्चा स्कूल में ही रहता है। अगर एडोलेसेंस की बात करें तो बच्चे के जो थॉट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं और उनका अपना एक, वो समझने लग जाते हैं समाज में अपने रोल को, और उनके जो परिपक्व भी हो जाते हैं वो काफ़ी हद तक, तो उनके डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी अच्छी होती है और सेल्फ फोकस्ड भी होते हैं भी। अगला क्राइटेरिया स्क्रीन पर देख सकते हो, एज ऑफ फीलिंग इन बिटवीन। तो एडोलेसेंट्स के अलावा अगर बालक में और एडल्ट्स को देखेंगे, ठीक है, बच्चों को और जो प्रौढ़ को हम देखेंगे, तो उनकी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो फीलिंग्स है वो हमें इतना कम देखने को मिलेगी। लेकिन एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना वो एमर्जिंग एडल्ट्स होते हैं, मतलब कि चिल्ड्रन होंगे जो, उनको पता है कि हम बच्चे हैं और वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे। एडल्ट्स जो होंगे कि उनको पता है कि हम ठीक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम अब समझदार हैं। लेकिन जो एडोलेसेंट्स होंगे, जो किशोर अवस्था में होंगे, वो एक एमर्जिंग एडल्ट की तरह कंसिडर करे जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, तो वो थोड़े से उनकी जो स्थिति होती है ना वो स्टेबल सी नहीं होती, ठीक है, एडोलेसेंस की, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी पहचान बनाते हैं। वो ना ही एक बालक की कैटेगरी में रहते हैं, ना ही वो पूर्ण तरीके से एडल्ट होते हैं, वो दे आर एडल्ट इन मेकिंग, ठीक है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस गेन करते करते, तो यहाँ पर थोड़ा सा लैक ये चीज़ आप समझ सकते हो कि दे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स बट स्टिल डू नॉट कम्प्लीटली फील लाइक एन एडल्ट, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से एडल्ट नहीं होते हैं, ये सिचुएशंस बता दी है मैंने आपको। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो बेटा डिफरेंसेस इन रेंज ऑफ डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स में देखें तो पहला है फिजिकल। तो फिजिकल में देखा होगा कि फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंटिन्यूस एट अ स्टेडी पेस में होती रहती है बालकपन में, और एडल्टहुड में जो होती है वो फिजिकल ग्रोथ अपने पूरे पीक तक पहुँच जाती है, ठीक है। एडोलेसेंस में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम, जैसे बच्चा किशोर बालकपन से जब किशोर अवस्था में मूव करता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, सेक्सुअल मैच्योरेशन, प्यूबर्टी। लेकिन जब एडल्टहुड में परिवेश करता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है या फिजिकल ग्रोथ है वो पीक तक पहुंच जाती है, चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है। कॉग्निशन की अगर बात करें तो अनलाइक एडल्ट्स द कॉग्निशन ऑफ चाइल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेशनेस इन थॉट्स, ठीक है। बच्चे की अगर कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो उनके थॉट्स में काफ़ी फ्रेशनेस देखने को मिलती है, ठीक। अ चाइल्ड ऑलवेज सीज द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। आपने स्टेजेस में पढ़े होगी प्याजे वगैरह की, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उनको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया है। एडोलेसेंट्स ओफन व्यू द वर्ल्ड इन, और एडोलेसेंट्स की अगर किशोर अवस्था की बात करें तो वो पोलैरिटीज या एक्सट्रीमिटीज में देखते हैं चीज़ों को, हर चीज़ को, सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। और एडल्ट्स की अगर बात करें तो उनकी एब्सोल्यूटिस्ट थिंकिंग हो जाती है, उनके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं एक चीज़ के, अगर कोई भी एक चीज़ है तो उनको पता है कि इसके, उसको देखने के अलग अलग नज़रिए हैं और कौन सा बेस्ट है तो उसके साथ डील करो। नेक्स्ट है सोशल
तो सोशल में अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस आर इन द पाथ ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे हो गए या किशोर अवस्था में जो लोग हो गए वो अपना उनका सोशल सामाजिक विकास चलता है, अच्छी वैल्यूज़ को इम्बाइब करो अपने अंदर, ठीक है, अच्छे अच्छे आदर्शों को अपना रोल मॉडल्स को अपना आदर्श बनाओ, अच्छे विचारों को लाओ, अच्छे मूल्यों को सीखो, अच्छे कौशलों को का अध्ययन करो, तो ये चीज़ है अपने अंदर एक पॉजिटिव सेंस लाओ। लेकिन जब एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट की अगर सोशल रोल, ठीक है, द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट इज लिंक्ड विद द सोशल रोल्स दे हैव टू परफॉर्म इन सोसाइटी। एडल्ट की जो सामाजिक विकास है बेटा वो सोशल रोल के साथ डील करती है। जैसे एरिक्सन वाली अगर बात करें तो ये जो रोल्स है ये आ जाएंगे वर्क, मैरिज एंड पेरेंटिंग, ठीक है, वर्क, मैरिज एंड पेरेंटिंग। एरिक्सन थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वर्क जो रिलेटेड है वो है बेटा अपनी एक पहचान जो बनी हुई है उससे, या जो काम बच्चा कर रहा है, एडल्ट को जो भी जॉब है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिसने भी उसको एक अलग पहचान दिलाई, सिंगर है, डांसर है, वट एवर द पर्सन इज डूइंग, ठीक। मैरिज की अगर बात करें तो इन सर्च ऑफ इंटीमेसी, ठीक है, पेरेंटिंग चिल्ड्रन, पेरेंटिंग की अगर करें चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ जेनरेटिविटी, तो ये एरिक्सन ने भी कहा है। इमोशंस की अगर बात करें तो भाई एडल्ट्स चिल्ड्रन हो गए या और बालक जो है या किशोरावस्था में जो है उनके जो एबिलिटी है वो अपने आप को सीख रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, ठीक है, इमोशनली स्टेबल बने, और लैक ऑफ दिस एबिलिटी समटाइम्स लीड देम टू रिस्क टेकिंग बिहेवियर। कई बार उनके जो ये जो एबिलिटी की कमी की वजह से वो रिस्की वर्क भी कर देते हैं या कुछ इस तरीके का जो अभद्र बिहेवियर है, व्यवहार है, वो देखने को मिल जाता है। और एडल्ट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर एक आत्म सेल्फ रेगुलेशन होता है, सेल्फ मैनेजमेंट होता है, और सही टाइम पर सही इमोशन शो करें, इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है बेटा परसेप्शन। परसेप्शन की अगर बात करें तो हर एक के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। बच्चों के अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो परसेप्शन अलग होगा, एडोलेसेंट्स को देखोगे तो उनका परसेप्शन अलग होगा, एडल्ट को देखोगे तो उनका परसेप्शन अलग होगा। इसका रीज़न क्या है कि उनके जो एक्सपीरियंस है, रोज के जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, स्किल है, वो बढ़ती है, तो उस वजह से उनके जो परसेप्शन है उसमें भी बदलाव आते हैं और वो और ज़्यादा परिपक्व होते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर बच्चों से पूछा जाए कि बादल क्यों चलते हैं तो वो कहेंगे कि मैं चलता हूँ तो इस वजह से बादल चलते हैं, मैं चलता हूँ तो इस वजह से तारे चलते हैं या चांद चलता है या सूरज चलता है, मुझे फॉलो करता है। दूसरे बच्चे से पूछोगे क्योंकि ये भी जिंदा है इस वजह से ये चलते हैं। अगर किशोर अवस्था के किसी बच्चे से पूछोगे तो वो कहेंगे कि अर्थ रोटेट करती है, पृथ्वी घूमती है, इस वजह से बादल मूव करते हैं। अगर प्रौढ़ अवस्था में होगा कोई, उससे पूछोगे तो वो कहेगा कि ये बादल जो मूव करते हैं वो हवा के चलने की वजह से मूव करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम चाइल्ड और एडोलेसेंट्स और एडल्ट के बीच में डिवीज़न करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो बेटा ये है आपकी यूनिट 1। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। थैंक यू।